गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आपका स्वागत है। एक नया दिन, एक नया केस। आज का केस बड़ा चैलेंजिंग था। ये मिस्टर देवांगन है, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग से आए हैं हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इनको ग्रेड 6 का बॉल्डनेस था, और फिर भी यू नो आई एम हैप्पी कि हम लगभग 5,500 से ऊपर ग्राफ्ट आज इनको लगा पाए, और हमने इनका लगभग लगभग बॉल्ड एरिया है उसका 80-85% आज कवर कर लिया है। जो रिमेनिंग है वो लगभग 3 महीने बाद हम बाकी एरिया भी कवर कर लेंगे। एंड आप देख सकते हैं, यू नो, 2 दिन हमने इनका ट्रांसप्लांट किया, बियर्ड से और सर से इनके ग्राफ्ट लिए, एंड ही इज़ गुड इनफ। अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वापस घर जा रहे हैं, अपने ड्राइव करके जा रहे हैं वापस, एंड ही इज़ कम्फर्टेबल। देवांगन जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। कोई दर्द वगैरह? नहीं नहीं। कोई तकलीफ हुई आपको बहुत ज्यादा? नहीं, जैसे आप शुरू में घबरा रहे थे कल जब हेयर ट्रांसप्लांट हम चालू कर रहे थे, जब अब ऐसा लग रहा है कि उतनी घबराहट की जरूरत थी आपको? जब आया था थोड़ा डर लग रहा था, उसके बाद अभी एकदम कंफर्टेबल है। देखिए, ज्यादातर पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया से इतना नेगेटिव फीडबैक ले लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि उनको जरूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की, लेकिन घबराहट के कारण करवा नहीं पाते हैं। अभी आपके सामने खड़े हैं, यू नो, इनका ग्रेड 6 बॉल्डनेस है, एंड अगले 7-8 महीने में इनके सर पे पूरे बाल आ जाएंगे, एंड यू नो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इनके सर में पहले कभी बाल नहीं थे, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करें कि जो लोग घबरा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जिनको जरूरत है लेकिन घबराहट के कारण करवाते नहीं है, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं डरिए, थोड़ा सा डर भले लगता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आके करवा लीजिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे तो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपने घर जा रहा हूँ। ये 300 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के अपने घर जा रहे हैं, मतलब आप एक कंफर्ट लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कंफर्टेबल है कि 300 किलोमीटर गाड़ी चला के अभी घर जा रहे हैं। थैंक यू।